जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मिली ताज़ा जानकारी के अनुसार भारत की मनु भाकर और रिजवी ने मैक्सिको शूटिंग वर्ल्ड कप के अंदर गोल्ड मेडल जीता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है। सबसे पहले तो मैं मनु भाकर और रिजवी जी को हम सभी भारतवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ, क्योंकि इन्होंने पूरे विश्व में सभी भारतवासियों का सीना गर्व से ऊँचा किया है। इसीलिए इनको हम सभी भारतवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। तो चलिए मनु भाकर जी के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। जो मनु भाकर जी हैं, यह हमारे भारत के हरियाणा राज्य की झज्जर जिले की रहने वाली हैं और इन्होंने अपने करियर की शुरुआत बॉक्सिंग से की थी, लेकिन बॉक्सिंग के अंदर काफ़ी चोट लगने के कारण इन्हें काफ़ी हद तक इंजरी हो गई थी, जिसके कारण ये बॉक्सिंग नहीं कर पाई थी और इन्होंने बॉक्सिंग छोड़ दी थी। और इन्होंने आगे अपना जो करियर चुना वो शूटिंग को चुना, और आज आप देख सकते हैं ये इन्होंने शूटिंग के अंदर काफ़ी अच्छा प्रोत्साहन करके दिखाया है और सभी भारतीयों का सीना इन्होंने गर्व से ऊंचा किया है। और रिजवी जी के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अभी हमें नहीं मिली है, उनके बारे में जैसे ही कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी मैं आपके लिए जल्दी ही अपडेट्स लेके आऊँगा। तो इससे रिलेटेड और भी जानकारी आप एक न्यूज़ चैनल आज तक पे भी देख सकते हैं, उसकी वीडियो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। शूटिंग वर्ल्ड कप में भारत ने एक और गोल्ड मेडल हासिल किया, लगातार ये दूसरा मेडल, और इसके साथ ही इन युवा खिलाड़ियों के लिए सोशल मीडिया पर भी और जबरदस्त तरीके से बधाइयों के संदेश शुरू हो गए हैं। दरअसल मेक्सिको में ये शूटिंग वर्ल्ड कप चल रहा है, जिसमें भारत की मनु भाकर ने 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड जीता। कल भारत के शहजर रिजवी ने भी 10 मीटर एयर पिस्टल में सोने पर निशाना जड़ा था, लेकिन अपने आप में ये कामयाबी बेहद सुनहरी। तो दोस्तों, ये इन्फॉर्मेशन आपके आने वाले सभी पेपरों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, इसको आप ध्यान रखिए और इस पर लगातार नज़र बनाए रखिए। तो जल्दी ही मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊँगा, जिसके बारे में मैं आपको और डिटेल से बताऊँगा इन दोनों के बारे में। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। जल्दी ही मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।